बड़ा रोचक मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। आदमपुर के लोगों में चर्चा है क्या भजनलाल अतिवार अपना अभेद ये जो प्रचार का अभेद मिला है वो बचा पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती नजर आ रही है। हमारी कोशिश है कि हम भी एक स्पष्ट जो हो सकता है और जो मतलब बिना किसी की फेवर किए हुए एक ऐसा विश्लेषण आपके सामने रखे जिससे जनता को पब्लिक को या देखने वालों को सही जो स्थिति है वो समझ आ सके। दोस्तों, पिछली चर्चा में हम लोगों ने हिसार जो सीट है उसके बारे में चर्चा की थी कि वहां पे जो इस समय किस तरह के समीकरण बन रहे हैं। आज हम हिसार से ही आदमपुर सीट है, आदमपुर सीट की बात करते हैं कि विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी आदमपुर जो है वो इस बार किस तरह के समीकरण बना रही है। क्योंकि अगर आदमपुर की बात करें तो आदमपुर से 1968 से लेकर आज तक एक ही परिवार जो है वो जीतता आ रहा है। उन्होंने कभी दूसरे किसी पार्टी को या दूसरे किसी कैंडिडेट को जीतने का मौका नहीं दिया। क्या इस बार समीकरण बदलेंगे? इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है सतीश मेहरा जो हरियाणा की राजनीति के अच्छे जानकार है। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि आदमपुर जो सीट है वो इस बार किस तरह के समीकरण बनाती नजर आ रही है। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। मेरा साहब, जो आदमपुर सीट है आप अच्छे से जानते हैं उन चीजों को कि एक ही जो पार्टी एक ही परिवार जो है उसका एकाधिकार रहा है। 1968 से लेकर आज तक चौधरी भजनलाल का जो परिवार है वो आज तक जीतता आ रहा है। इस बार किस तरह के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, आपने बात करी 1968 से लगातार ये चौधरी भजनलाल की परंपरागत सीट रही है और चाहे कांग्रेस में रहे हो चाहे इंडिपेंडेंट उन्होंने चुनाव लड़ा हो वो लगातार उनका परिवार चुनाव जीता है। चौधरी भजनलाल ने 8 चुनाव वहां से जीते हैं और 7 बार कांग्रेस के कैंडिडेट पर जीते हैं और 1 बार इंडिपेंडेंट चुनाव उन्होंने लड़ा और वो विधायक बने। तो अब की बार फिर चौधरी भजनलाल की जो तीसरी पीढ़ी है चुनाव मैदान में, हालांकि इस बार भी इससे पहले भी जो भव्य बिश्नोई उनके पोते हैं, चौधरी कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं जी, वो उपचुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। लेकिन अब की बार दूसरी बार वो चुनाव मैदान में आदमपुर से हैं और 56 साल का जो पिछले 56 साल का जो चौधरी भजनलाल की जीत परिवार के जीतने का जो इतिहास रहा है वो अब की बार उसके लिए उन्हीं के जो चौधरी भजनलाल के मित्र थे रामजीलाल जी उनके भतीजे उनके चुनाव मैदान भव्य बिश्नोई काफी विश्वसनीय मित्र रहे हैं उनके, वो भव्य बिश्नोई को टक्कर दे रहे हैं जी। और बड़ा रोचक मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है और अभी लोगों में चर्चाएं हैं, आदमपुर के लोगों में चर्चाएं क्या भजनलाल अब की बार अपना अभेद के जो 56 साल का अभेद किला है वो बचा पाएंगे, बरकरार रख पाएंगे। तो इसलिए तो अब की बार बड़ा रोचक चुनाव भजनलाल जो भव्य बिश्नोई है भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैदान में है और चंद्र प्रकाश जिसकी हमने बात की चौधरी रामजीला पंडित रामजीलाल के जो भतीजे हैं जी पूर्व आईएएस हैं चंद्र प्रकाश, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। आप पार्टी से भी जो कैंडिडेट चुनाव मैदान में जो भूपेंद्र बेनीवाल आप पार्टी से हैं और INLD और जो BSP का गठबंधन है उनके संयुक्त उम्मीदवार हैं जो रणदीप लोचब हैं। रणदीप लोचब जो मास्टर हरी सिंह हैं थे रहे हैं पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे हैं चौधरी बंसीलाल के भी पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे हैं और चौधरी देवीलाल के भी रहे हैं तो वो उनके पुत्र हैं वो रणदीप लोचब चुनाव मैदान में है। INLD और बसपा के जो संयुक्त उम्मीदवार हैं और इसके अलावा जजपा के कृष्ण गंगवा चुनाव मैदान में। तो अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को छोड़ दें और तीनों जो उम्मीदवार हैं ये तो तीन उम्मीदवार है जो ये जाट समुदाय से जी और ये दोनों उम्मीदवार जो है भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तो आपको पता ही है बिश्नोई समुदाय से हैं जी और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो जांगड़ बिरादरी से संबंध रखते हैं जी, वो BC और BCC से आते हैं। इसलिए वहां का जो मुकाबला है बड़ा रोचक है क्योंकि एक तरफ तीन जाट उम्मीदवार हैं, एक तरफ दो ये जो कांग्रेस पार्टी और भाजपा के उम्मीदवार हैं जी। तो इस बार अगर जाट उम्मीदवार जो तीनों हैं वो अच्छे वोट पाने में सफल होते हैं
जाट वोट अगर बढ़ता है तो मुझे लगता है कांग्रेस को वहां पे नुकसान होगा, चंद्र प्रकाश को नुकसान होगा। अगर जाट वोट नहीं बढ़ता और कांग्रेस के पक्ष में जाता है तो चंद्र प्रकाश को फायदा होगा। दूसरी ओर भव्य बिश्नोई जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैदान में है, उनको अगर बिश्नोई वोट अगर पूरा का पूरा बिश्नोई वोट मिलता है और जो ओबीसी वोट है उनको मिलता है और कहीं ना कहीं जाट वोट को गेन करने में भी अगर सेन लगा पाते हैं तो निश्चित रूप से भव्य बिश्नोई को फायदा होगा जी। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है राजेंद्र जी, चंद्र प्रकाश जो है स्वयं ओबीसी समुदाय से आते हैं जी, जांगिड़ समुदाय से आते हैं, 8,500-9,000 के बीच में जांगिड़ समुदाय के वोट हैं जी। अगर वो सारे के सारे जांगिड़ समुदाय ओबीसी समुदाय जो चंद्र प्रकाश को डालता है तो निश्चित रूप से उनको फायदा हो सकता है। और तो ये दो अभी समीकरण बैठाने पे लगे हुए दोनों कैंडिडेट, अच्छा, और इनके समीकरण जो बिगाड़ने का काम करेंगे वो तीनों जाट कैंडिडेट समीकरण बिगाड़ने का, कहीं ना कहीं कहीं अगर जाट वोट अगर कहीं बढ़ता है तो मुझे लगता है चंद्र प्रकाश कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। जैसा आपने कहा कि इस बार जो समीकरण है बड़े रोचक और बड़े अलग तरह के समीकरण बन सकते हैं, तो अलग तरह के हो सकते हैं, तो वोट समीकरण क्या कहता है, किस तरह का वोट समीकरण बन सकता है? वोट समीकरण की अगर हम बात करें तो आज इस आदमपुर विधानसभा में 1,78,000 के आसपास करीब मतदाता हैं जी, जिनमें हम बात करें जो जाट मतदाता हैं, सबसे ज्यादा जाट मतदाता वहां पे 55,000 है जी। और उसके बाद आता है बिश्नोई समाज के जो मतदाता वहां पे 30,000 के आसपास है, और बिश्नोई से भी ज्यादा शेड्यूल कास्ट मतदाता वहां पे 34,000 है। उनका बड़ा एक डिसाइडिंग वोट बैंक वो है। और अब की बार देखने वाली बात ये है कि SC मतदाता किस ओर होता है जी जी, तो अपनी परंपरागत सीट को बचाने में उनको जो चौधरी भसलाल का परिवार है, चौधरी कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई, उनको एक लाभमंद करके अपने पक्ष ले पाएंगे या जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ये भी बहुत देखने वाली जी 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 बहुत देखने वाली बात है। तो दलित समुदाय की हमने बात की, दलित समुदाय 33,000 के आसपास है, और ओबीसी के वोटर भी है, जांगड़ा समुदाय के अलावा 33,000 वोट ओबीसी समुदाय से भी। तो ओबीसी समुदाय का ये 33,000 जो वोट है, वोट बैंक है, ये भी मायने रखता है कि किस ओर ये जाएगा। बिल्कुल ठीक है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक ओबीसी का कार्ड खेला है, ओबीसी के जो प्रतिनिधि को जो मुख्यमंत्री का पद दिया है उससे कहीं ना कहीं ओबीसी वोट ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख करने का रुझान बनता नजर आ रहा है। हाँ, अगर कहीं बिश्नोई परिवार जो समुदाय है वो और ओबीसी समुदाय है उनकी बात करें, और थोड़ा बहुत दलित समुदाय और जाट समुदाय अगर बिश्नोई परिवार के साथ जुड़ता है तो कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ। देखिए, आज जो चुनाव में जो ट्रेंड है, एक लबल हुआ जिसको हम कह सकते हैं निकल के आ रहा, वो ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट वोट और जाट वोटर भाजपा के खिलाफ कहीं ना कहीं जा रहा है और कांग्रेस की तरफ आ रहा है। अगर कांग्रेस की तरफ ये वोट बैंक आता है तो चंद्र प्रकाश को वहां पे लाभ होगा, और अगर अपनी परंपरागत सीट को परंपरागत जो ट्रेंड चला रहा है आदमपुर का 56 साल से, अगर वो उसी ट्रेंड पे अगर चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं भव्य बिश्नोई को फायदा होगा। हालांकि भव्य बिश्नोई क्या पिछले जो आम जो उपचुनाव था 2022 में वहां से अपने जीत दर्ज करवा चुके हैं जयप्रकाश को, कांग्रेस के जयप्रकाश को उन्होंने 6300 कुछ वोटर से हराया था। और लेकिन दूसरी ओर अभी 3-4 महीने पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था वहां से हिसार विधान ये कंस्टिट्यूंसी जो आदमपुर है हिसार लोकसभा के अंतर्गत आती है, वहां से रणजीत सिंह चौटाला भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे जी। तो रणजीत सिंह चौटाला वहां से चुनाव हारे थे भाजपा के कैंडिडेट के रूप में। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि अब वो वोट बैंक जो चुनाव हारे थे रणजीत सिंह चौटाला, वो पलटी मारता है, भाजपा की तरफ जाता है
या कांग्रेस की तरफ या उधर कांग्रेस की तरफ ही रहेगा, क्योंकि पहले जो रणजीत चौटाला चुनाव ने चुनाव लड़ा था लोकसभा संसदीय चुनाव लड़ा था जी लोकसभा, उसमें कहीं कहीं रणजीत चौटाला ने यह भी आरोप लगाया था कि इस चुनाव में कुलदीप बिश्नोई का साथ नहीं मिल रहा है, इसी वजह से कहीं ना कहीं रणजीत चौटाला को वहां से हार का मुंह देखना पड़ा। और अब देखने वाली बात है कि वो जो वोट बैंक जो लोकसभा चुनाव में जो खोया था बीजेपी ने, वो वोट बैंक वापस बीजेपी के पास आता है या कांग्रेस के पास ही रहता है। कहीं तो अगर कांग्रेस बीजेपी के पास वो वोट बैंक आता है जो खोया हुआ वोट बैंक है भाजपा का, तो निश्चित रूप से भव्य बिश्नोई भारी है वहां पर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर हम देखें जाट वोटर्स की या दलित वोटर की, जाट वोटर इस बार थोड़ा भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिख रहा है, और दूसरी तरफ दलित वोटर की बात करें तो दलित वोटर जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का पक्का वोट रहा है हमेशा, कांग्रेस ने हमेशा दलित वोट को साधने की कोशिश की और साधा भी है, और शायद इस बार कुछ समीकरण अलग बन जाए। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि भजन लाल परिवार जो है उनके सामने उनके सबसे विश्वसनीय दोस्त जो है पंडित रामजी लाल उनके सबसे करीबी रहे हैं, उनके भतीजे चंद्र प्रकाश जो आईएएस ऑफिसर रहे हैं वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या मतलब लगता क्या है चुनौती कैसी चुनौती दे पाएंगे वो इनको बिश्नोई परिवार को? देखिए अभी तक जो जो विभिन्न सूत्रों से हमारे पास जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और जो जानकारी मिल रही है धरातल से आदमपुर से के लोगों से बात करने पर, तो अब भी जबरदस्त कांटे का मुकाबला बना हुआ है जी। अब ये देखने वाली बात है अभी 5-6 दिन जो चुनाव प्रचार में बचे हैं वो फाइनल दौर चल पड़ा है उनका, और उससे अपने जो जो चुनाव प्रचार में है ना चौधरी भजनलाल का जो पूरा परिवार वहां पे उतर चुका है। तो रेणुका बिश्नोई की अगर बात करें, भव्य बिश्नोई की माता जी हैं, कुलदीप बिश्नोई की बात करें तो जो भव्य बिश्नोई के पिता हैं वो और भव्य बिश्नोई स्वयं अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पे धुआंधार प्रचार में लगे हैं, और ये लास्ट के जो 3-4 दिन होंगे बड़े क्रूशियल होंगे सब दोनों कैंडिडेट के लिए, जो इसमें कहीं ना कहीं अपने मतदाता को साध पाएगा वो भारी पड़ेगा, भारी पड़ेगा क्या वो जीत सकता जो भी मतदाता भारी पड़ेगा वो निश्चित रूप से उनकी इस जो लास्ट जो दौर है वो जीत सकता है। यहाँ से चौधरी कुलदीप बिश्नोई भी विधायक रह चुके हैं जी जी, उनकी जो धर्मपत्नी है रेणुका बिश्नोई वो भी विधायक रह चुकी हैं, और भव्य बिश्नोई तो अभी निवर्तमान विधायक हैं, तो चारों के चार चौधरी भजनलाल तो अभी जा चुके हैं इस दुनिया से, बाकी जो कुलदीप बिश्नोई हैं और रेणुका बिश्नोई हैं और भव्य बिश्नोई तीनों ही विधायक रह चुके हैं, और तीनों के ही अपने अपने संपर्क हैं जी जी बिल्कुल, कुलदीप बिश्नोई के संपर्क हैं बड़े वरिष्ठ लोगों में जो वहाँ के वरिष्ठ नागरिक कह सकते हैं हम, इस परिवार से जुड़ा हुआ वोट कैडर वोट भी हो सकता है इनका यहाँ पे इस एरिया में 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनसे लगातार संपर्क में हो। भव्य बिश्नोई की बात करें तो उनके जो युवा साथी हैं उनकी टीम है उनमें लगातार संपर्क वो कर रहे हैं, और उनकी अपनी युवा टीम को लेकर लोगों में वोट के लिए अपील भी कर रहे हैं। उधर महिलाओं में रेणुका बिश्नोई का अपना एक वो बिल्कुल मुकाम है उनका, रुतबा है उनका जी, जी। और उनके साथ संपर्क है, तो ये देखने वाली बात है कि ये जो पूरा चौधरी भजनलाल परिवार वहां से सीट निकाल पाएगा या चंद्र प्रकाश अब की बार कांग्रेस के बारी पड़ेंगे, ये समीकरण है। अगर इन समीकरणों पर जाट और जो जाट अगर समुदाय के जो वोट हैं वो कहीं कहीं अगर पटते हैं तो निश्चित रूप से उसको कांग्रेस कैंडिडेट को नुकसान होगा, अगर जाट समुदाय के वोट अगर नहीं पट पाते हैं और कांग्रेस की तरफ आते हैं तो निश्चित रूप से भव्य बिश्नोई को नुकसान होगा। दोस्तों आदमपुर सीट की अगर बात करें तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी